ये अच्छा क्वेश्चन है। तो आपसे बोला गया है कि अ स्क्वायर ऑफ साइड ए इज लाइंग इन एक्स वाई प्लेन सच दैट टू ऑफ इट्स साइड्स आर लाइंग ऑन द एक्सिस, ठीक है। इफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई इक्वल टू, या इक्वल टू होना चाहिए था, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर आपको दिया हुआ ई नॉट एक्स के कैप इज अप्लाइड ऑन द स्क्वायर, तो द फ्लक्स पासिंग थ्रू इट, यहाँ कॉमा होना चाहिए था, ठीक है। द फ्लक्स पासिंग थ्रू द स्क्वायर इज, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में देखो एक प्रॉब्लम है कि आपको बोल तो दिया है कि स्क्वायर के दो साइड जो है एक्सिस पे लाई कर रहे, लेकिन कौन से एक्सिस, एक्स और वाई भी होंगे, ठीक है, लेकिन पॉजिटिव एक्स पॉजिटिव वाई की पॉजिटिव एक्स नेगेटिव वाई एंड सो ऑन। तो यहाँ पे क्वेश्चन ने बोलना चाहिए था या डायग्राम दे देना चाहिए मान लो, क्योंकि आंसर्स देख के मुझे वही लग रहा है कि ये लोग किया है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में जो स्क्वायर है उसको ऐसे रखा गया है, ये आपका स्क्वायर है, ठीक है। तो स्क्वायर का एक साइड पॉजिटिव एक्स पॉजिटिव वाई पे और दूसरा साइड पॉजिटिव एक्स पे रखा गया, ठीक है। क्वेश्चन में मेंशन होना चाहिए था, है ना, तो मिसिंग इन्फॉर्मेशन। सपोज आपको डायग्राम दिया गया है, बस सिंपल ऐसे सोचो स्क्वायर का साइड लेंथ आपको ए दिया है, ठीक है। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर आप ध्यान से देखो, याद रखना आपसे क्वेश्चन पूछा गया फ्लक्स पासिंग थ्रू द स्क्वायर, स्क्वायर का कोई भी पॉइंट देखोगे वो पॉजिटिव एक्स या पॉजिटिव वाई पे है, मतलब कोई पॉइंट देखोगे तो उसका कोऑर्डिनेट जो भी आएगा उसका एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव आने वाला है, वाई कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव आने, मतलब इट इज नेगेटिव नहीं आने वाला, ठीक है। तो अगर उसका एक्स और वाई कोऑर्डिनेट कोई भी नेगेटिव नहीं आने वाला है तो ये चीज जो है उसमें ये चीज हमेशा, ये जो एक्स वाला पार्ट आपको दिख रहा है यहाँ से, ठीक है, जो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बोला है ई नॉट इंटू एक्स है, एक्स यहाँ पे इज नॉट नेगेटिव, एक्स दिया तो जीरो हो सकता है या पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि अपना स्क्वायर जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में है ना, तो एक्स नेगेटिव नहीं हो सकता। स्क्वायर का कोई भी पॉइंट आप ले लोगे उसके लिए एक्स पॉजिटिव होगा या तो जीरो होगा, नेगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये तो आपको पता चल गया नॉट नेगेटिव, इससे क्या फायदा हुआ। अब ई नॉट मान लो, ई नॉट पॉजिटिव है उससे फर्क नहीं पड़ता वैसे, ई नॉट अगर पॉजिटिव मान लो आप, तो आपका क्या हो रहा है यहाँ पे, एक्स तो हमेशा पॉजिटिव है, ई नॉट पॉजिटिव है, तो ये प्रोडक्ट भी क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, ठीक है। इसका मतलब मैं देखो ये सब क्यों जानना चाहता हूँ, देखो यहाँ पे क्या बोलना चाहता हूँ मैं, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ई नॉट इंटू एक्स विच इज अ पॉजिटिव नंबर या एटलीस्ट नेगेटिव तो नहीं है, इंटू के कैप आ रहा है, उस फॉर्म का आ रहा है ना, ये पॉजिटिव भी हो सकता है जीरो भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है ई नॉट इंटू एक्स, ठीक है। इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर जो है वो के कैप के अलॉन्ग है ना। और अभी जो थोड़े पहले मैंने अजम्पशन ले लिया था कि ई नॉट को पॉजिटिव मानना, तो अगर ई नॉट को नेगेटिव मानोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा के कैप के अपोजिट होगा, ठीक है। तो कुछ भी मान के चलो फाइनल आंसर फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि फाइनल आंसर में ई नॉट दिया हुआ है, ठीक है। तो ई नॉट पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव आ जाएगा वैल्यू एक्सप्रेशन का वैल्यू, ई नॉट नेगेटिव होगा तो अपने आप नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। तो मैं ई नॉट को पॉजिटिव मान के चल रहा हूँ, तो अज्यूमिंग आप याद रखना नेगेटिव मान के करोगे तो आप तब भी बन जाएगा, लेकिन मुझे कुछ ना कुछ तो मानना है ना पॉजिटिव या नेगेटिव, जिससे मैं एक दिखा देता हूँ। मैं ई नॉट को पॉजिटिव माना हूँ तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इज पॉइंटिंग अलॉन्ग पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस, इसको के कैप भी बोलते हैं, ठीक है। अगर मैं ई नॉट को नेगेटिव मानता तो के माइनस के कैप होता, बस यही फर्क आता, ठीक है। फाइनल आंसर में फर्क नहीं आएगा, ठीक है। तो फ्लक्स पासिंग थ्रू द स्क्वायर ये पूछा गया है ना, ठीक है। अब यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, इसी व्हाइट वाला पोर्शन में ड्रॉ करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड याद रखना प्लस के कैप है, ये आपका प्लस एक्स, ये आपका प्लस वाई। प्लस से किस तरफ है, आपका जो स्क्रीन है जहां पे आप वीडियो देख रहे हो, तो आपके स्क्रीन के एक परपेंडिकुलर वेक्टर ले लो, ठीक है, जो कि इस पॉइंट से पास हो रहा है ना, वो आपका जेड एक्सिस हो गया, है ना। और आपके तरफ जो जेड एक्सिस का पार्ट आ रहा है आपके तरफ, एक तो होगा एक पार्ट आपसे दूर जा रहा होगा जिसको नेगेटिव जेड एक्सिस बोलेंगे, और एक पार्ट आपके सामने आ रहा होगा जो पॉजिटिव जेड एक्सिस है, ठीक है। तो यानी अल्टीमेटली प्लस के कैप डायरेक्शन क्या है इस केस में, आपके तरफ स्क्रीन से एक परपेंडिकुलर निकलता हुआ वेक्टर, उसको मैं प्लस के कैप बोल रहा हूँ, ठीक है। डायरेक्शन समझ में आया ना, ठीक है। और उस डायरेक्शन को हम लोग डॉट से या क्रॉस से डिनोट करते हैं, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर या प्लेन ऑफ ड्रॉइंग, तो इसको डॉट से डिनोट करते हैं ना, जो आपके तरफ आ रहा वेक्टर परपेंडिकुलर है स्क्रीन के और आपके तरफ आ रहा, उसको डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे। जो आपसे दूर जा रहा है यानी स्क्रीन के अंदर जा रहा है जो, उसको हम लोग क्रॉस से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये खाली डिनोशन है, मैं डॉट बोल रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हर पॉइंट पे कहीं भी आप देखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट वाले डायरेक्शन में, ठीक है, यानी परपेंडिकुलर जो डायग्राम में बनाया हूँ इसके परपेंडिकुलर है, ठीक है, और आपके तरफ वो परपेंडिकुलर पॉइंट कर रहा है ना, ठीक है। तो फ्लक्स निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, फ्लक्स निकालने के लिए आपको ई डॉट डी ए का इंटीग्रेशन करना पड़ता है, ठीक है।
अब ई डॉट डी ए में डी ए कैसा लेना है वो डिपेंड करेगा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड किस टाइप का है, ठीक है। मैं बताता हूँ कैसे। तो यहाँ पे अगर स्क्वायर को थोड़ा बड़ा बनाऊँ मैं, तो ये आपका स्क्वायर है, इमेजिन कर लो स्क्वायर है, मुझे तो नहीं लग रहा स्क्वायर, लेकिन आप इमेजिन कर लो ये आपका स्क्वायर है, ठीक है। और ये आपका पॉजिटिव एक्स एक्सिस और ये वाला पॉजिटिव वाई एक्सिस, ठीक है। अब यहाँ से एक्स डिस्टेंस दूर और डीएक्स, डीएक्स याद रखना बहुत ही छोटा है, लेकिन मैं थोड़ा मोटा दिखा रहा ताकि ड्रॉ कर सकूँ, मैंने तो ड्रॉ ही नहीं कर पाऊंगा। तो डीएक्स वाला पार्ट जो है सिर्फ उतना थिकनेस को मैं ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पे, समझ में आई बात। सिर्फ इसको देखना आपको, बाकी पूरे स्क्वायर को भूल जाओ, सिर्फ इस पार्ट को देखो, ठीक है। हाँ, मैं अभी यही पार्ट को क्यों लिया वो समझो। अब ये पार्ट, सबसे पहली बात, ये पार्ट बहुत ही पतला है, एक्चुअल में ये पार्ट ऐसा पतला होगा, ठीक है। मैं ड्रॉ करने के लिए वहां पे मोटा बनाया हूँ, एक्चुअल में कुछ ऐसा होगा ये पार्ट। बस ये जो लाइन दिख रहा है ना, यही आपका डीएक्स विथ का, ठीक है। तो आप बोलोगे सर ये तो ठीक है ही नहीं। हाँ ये ठीक नहीं है, और ये भी बोल सकते हो कि इसका हर एक पॉइंट जो है एक्स डिस्टेंस दूर है, मतलब इसका हर एक पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट आप एक्स बोल सकते हो, ठीक है। वो आपको यहाँ पे बोलने में थोड़ा अजीब लगेगा, क्योंकि यहाँ पे मोटा दिख रहा है, आपको लगेगा कि ये पॉइंट और ये पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट अलग अलग है, लेकिन दोनों का एक्स कोऑर्डिनेट सेम है। दोनों का एक्स कोऑर्डिनेट क्या मानोगे आप, एक्स मान लो, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं जो शेडेड पोर्शन यहाँ पे दिख रहा है उसका हर पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट सेम है, क्या है एक्स, क्योंकि याद रखना डीएक्स बहुत ही छोटा होता है ऑलमोस्ट जीरो, ठीक है। तो यहाँ पे शेडेड पोर्शन का हर पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट एक्स है। तो आप ये देखो कि यहाँ पे खासियत क्या है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो था वो एक्स पे डिपेंड कर रहा था, ये तो कांस्टेंट है ई नॉट, ये डायरेक्शन तो कांस्टेंट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसका फंक्शन है यहाँ पे, एक्स का। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता है एक्स का फंक्शन था, एक्स पे डिपेंड कर रहा था, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट अगर चेंज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगा। लेकिन यहाँ पे जो शेडेड पोर्शन है उसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, सेम है हर पॉइंट का, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे एक पॉइंट लू और यहाँ पे एक पॉइंट लू, तब दोनों पॉइंट पे अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, ठीक है, क्योंकि दोनों पॉइंट के लिए एक्स अलग अलग है। इस पॉइंट के लिए एक्स छोटा है तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड कम आएगा इस पॉइंट पे, और इस पॉइंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा आएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे वो बात नहीं हो रही है, यहाँ पे मैंने जो सरफेस ड्रॉ किया है उतना पतला है कि हर पॉइंट पे एक्स वैल्यू सेम है, और अगर एक्स वैल्यू हर पॉइंट पे सेम है तो हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू सेम है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ एक्स के वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो हमेशा जब भी आप ई डॉट डी ए का इंटीग्रेशन करो, है ना, तो वैसा एरिया को एलिमेंट लेना या वैसा एलिमेंटर एरिया चूज करना जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम आए, ठीक है। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में वैसे काम बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम आ रहा है मेरा, है ना, तो मेरे लिए इंटीग्रेशन आसान हो जाएगा। अब देखो, अब इलेक्ट्रिक फील्ड पहले किस डायरेक्शन में वो देखते हैं, तो यहाँ पे मैं कोई भी पॉइंट ले लो यहाँ पे, है ना, इस शेडेड पार्ट का कोई पॉइंट पे देखेंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो आपको पता है डॉट वाले डायरेक्शन में, यानी प्लस के कैप डायरेक्शन में, ठीक है। और एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर कैसे लेते हैं, एरिया के परपेंडिकुलर रहते हैं, तो एरिया के परपेंडिकुलर किसी भी डायरेक्शन में ले सकते हो, तो मैं डॉट वाले डायरेक्शन में ले रहा हूँ मान लो, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी डॉट के डायरेक्शन में, एरिया वेक्टर भी डॉट के डायरेक्शन में, ठीक है। तो आपका ई और डी ए दोनों सेम डायरेक्शन में, तो आपको जब इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है, तो सबसे पहले मैं स्मॉल पार्ट के थ्रू, जो शेडेड पार्ट है उसके थ्रू फ्लक्स निकालता हूँ। हर बार कैलकुलस में आपको यही करना है जब भी आप इंटीग्रेशन कर रहे हो, ठीक है। पहले स्मॉल पार्ट लो, हाँ स्मॉल पार्ट चूज करने में आपको थोड़ा टाइम लग सकता है, ठीक है, कि कैसे मैंने ये चूज किया जिसका मैंने एक्सप्लेनेशन दिया, जिसमें मोस्ट ऑफ द टाइम गया इस क्वेश्चन में। एक बार स्मॉल पार्ट चूज हो गया है, उसके से उसके थ्रू फ्लक्स निकालो, ठीक है। तो स्मॉल पार्ट के थ्रू फ्लक्स हो जाएगा ई डॉट डी ए। अब ई वेक्टर आपका के कैप के डायरेक्शन में, देखो डी ए वेक्टर भी के कैप के डायरेक्शन में है, तो आपको पता है ई डॉट डी ए क्या होता है, ई डी ए कॉस थीटा, और थीटा क्या है 0 डिग्री, क्योंकि दोनों के कैप के डायरेक्शन में। अगर आपने डी ए वेक्टर इनटू द प्लेन लिया होता तो यहाँ क्रॉस आता, तो थीटा का भी 180 डिग्री होता, ठीक है। फिर एक माइनस साइन आ जाता है ना, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होता, क्योंकि चारों ऑप्शन अगर आप देखो तो ऊपर सब प्लस 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 है, इसलिए वो लोग इसको भी डॉट के डायरेक्शन में ही ले लिया, आप अजूम कर लेना, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका आंसर जो आएगा उसका मैग्नीट्यूड ले लोगे तब भी वहां पे मिल जाएगा, ठीक है। वो समझ लो क्वेश्चन का प्रॉब्लम है, बोलना चाहिए था, लेकिन कभी कभी नहीं बोलते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे कॉस 0 1 है, यहाँ पे क्या कॉस 0 हमेशा 1 होता है, तो ई डॉट ई डी डॉट डी ए को हम लोग सिंपली ई डी ए बोलेंगे, ठीक है। तो स्मॉल फ्लक्स ये आ गया, टोटल फ्लक्स निकालना है तो ऐड करो, ये सम ही तो है, ये जो मैं दिख रहा हूँ स्टाइल में ऐसी तो है, एस को स्टाइल में लिखना है ऐसे लिखो, ठीक है। तो ये सम ऑफ स्मॉल फ्लक्सेस, ठीक है, तो सम ऑफ स्मॉल फ्लक्सेस, सम ऑफ स्मॉल फ्लक्सेस, सम ऑफ स्मॉल फ्लक्सेस ई डी ए, ठीक है। अब ई का वैल्यू लिखते हैं हम लोग, है ना, ई का वैल्यू कितना आया था, अगर ई का आपको मैग्नीट्यूड याद है तो ई का मैग्नीट्यूड कितना था, ई का मैग्नीट्यूड था ई नॉट इंटू एक्स, के कैप तो उसका डायरेक्शन था ना, अगर आपको वेक्टर ई लिखना है तो ऐसा था, लेकिन मुझे तो मैग्नीट्यूड ऑफ ई लिखना है, मैग्नीट्यूड ऑफ ई क्या है,
उसमें तो यूनिट वेक्टर को हटा दो, ई नॉट एक्स, ठीक है, ये तो ई नॉट एक्स है ना। एक्स मतलब हम सोचो ना कि एक्स के अलोंग है, एक्स तो खाली कोऑर्डिनेट का वैल्यू है, ठीक है, इनटू डीए है ना। अब इसका एरिया मुझे लिखना है, ठीक है। अब इसका एरिया कैसे लिखेंगे, इसका लेंथ और ब्रेथ लिखते हैं। इसका लेंथ कितना है ए, ब्रेथ कितना है डी एक्स, ठीक है। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, डीए का मैग्नीट्यूड को पूछा आपसे, क्या बोलोगे आप, ए डी एक्स, तो एरिया आपका हो जाएगा ए डी एक्स, ठीक है। ई नॉट एक्स स्मॉल ए डी एक्स, बस क्वेश्चन बन गया। तो ई नॉट इंटू ए तो कॉन्स्टेंट है, एक्स डी एक्स बाहर। आपको देखो, आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो आपसे पूछा था कि टोटल स्क्वायर के थ्रू, पूरे स्क्वायर के थ्रू फ्लक्स कितना है, ठीक है। तो आप अगर स्क्वायर को अगर ऐसे ऐसे शेडेड पार्ट में तोड़ना चाहो तो आपको शेड पोर्शन कैसा कैसा लेना पड़ेगा, यहाँ पे भी लेना पड़ेगा, इसके बगल में भी लेना पड़ेगा, तभी तो पूरा स्क्वायर कवर होगा, इसके बगल में लेना पड़ेगा, ठीक है। तो आप अगर एक्स के वैल्यू को जीरो करोगे तो ये शेडेड पोर्शन यहाँ पहुंच जाएगा। अगर आप एक्स के वैल्यू को ए कर दोगे, एक्स के वैल्यू को ए कर दोगे, तब आपका शेडेड पोर्शन यहाँ पहुंच जाएगा एकदम दूसरे कोने में, ठीक है। तो आपको कहां से कहां तक इस एक्सप्रेशन को इंटीग्रेट करना चाहिए ताकि पूरा स्क्वायर कवर हो जाए, क्योंकि क्वेश्चन ने बोला था पूरे स्क्वायर के थ्रू आपको फ्लक्स बताना है, वो हो जाएगा जीरो टू ए। बस हो गया, क्वेश्चन बन गया। ई नॉट ए एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन आपको पता है एक्स स्क्वायर बाई टू होता है, लिमिट पुट करना है जीरो और ए, तो ये हो जाएगा ई नॉट ए ए स्क्वायर बाई टू, यानी ई नॉट ए क्यूब बाय टू। टाइम लगा क्वेश्चन में, उसके बारे में टेंशन लेना, ठीक है, आप समझ गए, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम लोग वही गलती करते हैं, हम लोग क्वेश्चंस पे टाइम नहीं देते। अगर आप क्वेश्चंस को समझ समझ के पूरा बना रहे हो तब आप भले कम क्वेश्चंस बनाओगे लेकिन हर चीज सीखते हो चलोगे, तो फिर कन्फ्यूजन भी कम होगा और ज्यादा क्वेश्चंस इनफैक्ट बाद में आप बना पाओगे, ठीक है, बेसिक क्लियर होते जाएगा। तो यहाँ पे टाइम लग गया एग्जाम में, इनफैक्ट आपको ये क्वेश्चन तो 30 सेकंड में 40 सेकंड में बनाना पड़ेगा, लेकिन हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये सब सबको फील आ जाएगा। तो ई नॉट ए क्यूब बाई टू, ई नॉट ए क्यूब बाई टू आपका ऑप्शन नंबर टू हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अगर आप यहाँ पे जो मैंने अदम्पशन लिया था डीए वेक्टर, याद रखना एरिया वेक्टर तो एरिया के परपेंडिकुलर हो सकता है, तो परपेंडिकुलर मैंने आपके तरफ माना था, अगर मैं आपसे अवे मानता, क्रॉस के तरफ मानता, तो क्या फर्क आता, यहाँ पे 0 डिग्री के बदले 180 डिग्री आता, तो अल्टीमेटली आपका जो फाइनल आंसर आता उसमें माइनस आता, ठीक है, फाइनल आंसर में माइनस आता। लेकिन फिर अगर ऑप्शंस देखते तो ऑप्शंस में एक भी माइनस नहीं है, तो आपको समझ में आता कि या तो ये लोग खाली मैग्नीट्यूड लिए हैं, ठीक है, या ये लोग डॉट वाले डायरेक्शन में ही एरिया वेक्टर को मान लिए, ठीक है, समझ में आई बात। हाँ, अब इसी क्वेश्चन में अगर दो ऑप्शन होता, एक ऑप्शन ये है और एक ऑप्शन इसका नेगेटिव है, तब हम लोग सेलेक्ट नहीं कर पाते, ठीक है, या पॉसिबल वैल्यूज ऑफ फ्लक्स पूछता तब दोनों को सेलेक्ट करते, डिपेंडिंग ऑन आप एरिया वेक्टर किस तरफ ले रहे हो, ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर 106 था ये। मूविंग ऑन क्वेश्चन नंबर 107 आपका है, ये इसमें टाइम लग गया क्वेश्चन में, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है, एज लॉन्ग एज आप सीख रहे हो हर इंस्टेंट पे, क्वेश्चन भले 5 साल लग जाए क्वेश्चन बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि आप हर मोमेंट में कुछ ना कुछ सीख रहे थे, वो इम्पोर्टेंट है। ये बोर्ड वाला एग्जाम का तैयारी नहीं कर रहे ना हम लोग, वहां तो आप रट के चल जाओगे, हो जाएगा आपके पास। यहाँ पे एग्जाम में भले इजी क्वेश्चन भी आते होंगे लेकिन टाइम का कमी रहता है ना, तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए ताकि इजी क्वेश्चन भी जल्दी जल्दी हो सके, ठीक है। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, द इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स आर ऑलवेज क्रॉस कर्व्स, गलत, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स ऑलवेज नहीं रहता है, ठीक है। अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ओपन रहता है ना, और जब हम लोग वो पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, वहां पे जो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स होंगे वो क्लोज कर्व्स रहेंगे, ठीक है। तो एनी वेज आपका इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स आर नॉट क्लोज कर्व, ऑलवेज लिखा है तो ये गलत है, ठीक है, इस चैप्टर में तो हमेशा ओपन ही रहेगा। हाँ, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स इज पैरेलल टू इक्विपोटेंशियल सरफेस, गलत, आपको पता है परपेंडिकुलर होता है, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स इज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। लास्ट वाला भी देख लेते हैं, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स इज ऑलवेज द पाथ ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, ये तो गलत है ना। देखो ये क्यों गलत है, अगर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किसी रीजन में ऐसा है मान लो, तो यहाँ पे इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पे अगर आप एक पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज को छोड़ोगे तो वो ऐसे चलने वाला है, इसका मतलब नहीं होता इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ठीक है। जैसे आप खुद देखो ना, मैं आपको सिंपल केस दिखाता हूँ, ये अर्थ सरफेस है मान लो, ठीक है, फील्ड लाइंस तो खाली बताने के लिए कि यूनिट चार्ज पे कितना फोर्स लगेगा उसका रिप्रेजेंटेशन एक सेंस में, ठीक है। अर्थ सरफेस के परपेंडिकुलर होता है आपका क्या बोलते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस,
लेकिन इस दुनिया का हर ऑब्जेक्ट ऐसे चलता है क्या? नहीं, आप प्रोजेक्टाइल में देखो ऐसे चल रहा है ना, तो पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल तो ऐसा हो गया क्या? फील्ड लाइंस ऐसा है? नहीं, फील्ड लाइंस तो परपेंडिकुलर ऐसे है। समझ में आई बात? ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 107। 107 के बाद आपका आएगा 108। ठीक है, आप ज़रूर कमेंट से बताया करो आपको वीडियो लेक्चर्स के बारे में क्या अच्छा लग रहा है, क्या ख़राब लग रहा, तभी तो इम्प्रूवमेंट आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, हाँ ये तो 80 वाला क्वेश्चन है, इसको तो जब 80 वाला सॉल्व करेंगे तब करेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ये ले लेते हैं हम लोग, सॉरी न्यू, ये 108। इलेक्ट्रिक चार्जेस आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन ए स्मॉल वॉल्यूम, द फ्लक्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू अ स्फेरिकल सरफेस ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर सराउंडिंग द टोटल चार्ज इज 12 25 वोल्ट मीटर। ठीक है, तो यहाँ पे किसी स्मॉल वॉल्यूम में इलेक्ट्रिक चार्जेस है, पॉजिटिव नेगेटिव जो मानना है मान लो। ठीक है, आपके आस इस चार्ज को एक क्लोज सरफेस, क्लोज सरफेस भी बोले तो एग्जैक्टली शेप बता दिया गया है, स्फेरिकल सरफेस है जिसका रेडियस कितना है 10 है। तो स्फेरिकल सरफेस है जिसका रेडियस 10 सेंटीमीटर है और इसके थ्रू आपको फ्लक्स बोल दिया, फ्लक्स कितना है 25 वोल्ट पर मीटर। ठीक है, अब आपको बोला कि फ्लक्स ओवर ए कंसेंट्रिक स्फीयर, कंसेंट्रिक क्या होता है, दोनों का सेम सेंटर है। ठीक है, पहले वाला स्फीयर और जो सेकंड स्फीयर ड्रॉ करेंगे दोनों का सेम सेंटर है, कंसेंट्रिक स्फीयर ऑफ रेडियस 20। तो जो दूसरा 20 सेंटीमीटर का है वो तो बड़ा होगा है ना, उसका सेंटर ही आपको बोल दिया सेम है। ठीक है, ये तो 20 वाला है ना, तो इसके अंदर इसके थ्रू भी फ्लक्स तो यही आएगा ना। क्यों? क्योंकि नेट चार्ज इंक्लोज, तो जो इसके अंदर चार्ज इंक्लोज है यही तो चार्ज है आपका, और वही तो इसके अंदर भी इंक्लोज है ना, तो चार्ज इंक्लोज पे ही डिपेंड करता है टोटल फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस। ठीक है, गॉस लॉ के कारण, गॉस लॉ के कारण क्या, गॉस लॉ जो बताता है कि टोटल फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस डिपेंड्स ओनली ऑन द चार्ज इंक्लोज, तो इसके थ्रू भी हो जाएगा 25। डबल रेडियस का तो डबल मत कर देना। ठीक है, यहाँ पे कितना ही बड़ा सरफेस ले लो आप, एज लॉन्ग एज वो इतना ही चार्ज इंक्लोज किया हुआ है और उसके एक्स्ट्रा कोई चार्ज इंक्लोज नहीं किया गया है, तो जैसे यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है, ठीक है, तब इसके थ्रू भी फ्लक्स सेम आए। समझ में आया? खाली यहाँ पे चार्ज प्रेजेंट है तो आप देख सकते हो इसके अंदर जितना चार्ज है, इस सर्फेस के थ्रू भी उतना ही चार्ज, सर्फेस भी उतना ही चार्ज को इंक्लोज किया गया और बड़ा भी उतना ही किया गया। ठीक है, क्वेश्चन में आपको बोल देता कि चार्ज सिर्फ यहाँ पे, वही पॉइंट था पहला लाइन का। ठीक है, जिसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पे कहीं चार्ज है, यहाँ पे चार्ज नहीं मानने कहीं भी, क्योंकि आपको बोल दिया जो चार्ज है यहाँ पे। ठीक है, तो मूविंग ऑन, ये था क्वेश्चन नंबर 108। नेक्स्ट क्वेश्चन 109। क्वेश्चन नंबर 109 में, और बाय द वे जो क्वेश्चन हार्ड रहेगा ना, हार्ड इन द सेंस कि नीट वाले बच्चों के लिए नहीं रहेगा, वो हमेशा बता दूंगा। ठीक है, क्वेश्चन करते वक्त ही, मतलब 95% क्वेश्चन तो आपका सेम आएगा। ठीक है, 5%, मतलब 100 में से 5 क्वेश्चन ही होंगे जो मैं बोलूँगा सिर्फ जी मेन वाले को करना चाहिए, नीट वाले को नहीं करना चाहिए ना, तो अभी तक वैसा कोई क्वेश्चन नहीं आया है, या जब भी आएगा मैं बता दूंगा। ठीक है, हाँ ये क्वेश्चन अच्छा है, इसको देखते हैं। इसमें आपको इमेजिन करना होगा, लेकिन 8 पॉइंट चार्जेस, 8 पॉइंट चार्जेस, ठीक है, हैविंग चार्जेस क्यू, तो 8 आपके पास चार्जेस है, सबका वैल्यू क्या है, क्यू है, ईच आर फिक्स्ड एट द वर्टिसेस ऑफ द क्यूब, तो क्यूब के 8 वर्टेक्स पे आपने 8 पॉइंट चार्जेस क्यू 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 रख दिया। ठीक है, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू स्क्वायर सरफेस ए बी सी डी, तो यहाँ पे जो स्क्वायर सरफेस है ये वाला, इस सरफेस के थ्रू आपसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स पूछा है, इस सरफेस को कितने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस कर रहे हैं। ठीक है, तो वही इलेक्ट्रिक फ्लक्स पूछा है ना, अब ये कैसे निकालेंगे? अब यहाँ पे ध्यान देना, पहले सरफेस आप पहचान लो, मैं इसको मिटा रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे सपोज एक एक करके देखते हैं, इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर आप इमेजिन करो, तो इस चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लोगे वो कोई भी लाइन इसको क्रॉस नहीं कर सकता, इस सरफेस को। समझ में आ रहा मैं क्रॉस क्यों बोल रहा हूँ? जैसे यहाँ पे आपने एक प्लेन शीट ऑफ पेपर लिया है, ठीक है, और उसके ऊपर कोई पॉइंट चार्ज रखा है, अब उसके कारण जो चार्जेस होंगे या तो इसके पैरेलल होंगे, क्या बोलते हैं, आपकी शीट के परपेंडिकुलर होंगे, यही से होंगे ना, क्रॉस तो नहीं कर रहा ना। समझ में आ रहा, क्रॉस किसको बोलते हैं, क्रॉस इसको बोलते हैं, जैसे यहाँ पे मैं एक शीट बनाया हूँ, जैसे यहाँ पे दिखाता हूँ, सॉरी, क्रॉसिंग इसको बोलते हैं, एक तरफ से आया घुसा फिर निकला, इसको क्रॉसिंग बोलते हैं, लेकिन यहाँ से तो स्टार्ट हो रहा है, घुस के नहीं निकल रहा,
ठीक है, तो इस तरफ वाला एरो उधर गया और फिर से नीचे वाला एरो नीचे आएगा, तो क्रॉस कोई नहीं कर रहा इन दोनों में से, समझ में आ रही बात? क्रॉस किसको बोलते हैं, जैसे यहाँ पे एक चार्ज रखे हो और यहाँ पे एक प्लेन है, ठीक है, तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड इसको क्रॉस कर रहा है, देखो यहाँ क्रॉस करके निकला, ठीक है, लेकिन यहाँ पे चार्ज कहाँ है, सरफेस पे ही है, तो ये कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्रॉस नहीं करेगा, ठीक है। तो आपका प्लेन पे जो जितने चार्जेस है, इस प्लेन पे जितने भी चार्जेस होंगे, जो चार्ज यहाँ पे ए में है, ये डी पे है, ये सी पे है और बी पे है, इन चारों का इस सरफेस के थ्रू कोई भी फील्ड लाइन नहीं जाने वाला है। इसका जो फील्ड लाइन जितने भी होंगे दुनिया में, बहुत सारे फील्ड लाइन्स है दुनिया में, लेकिन इस सरफेस को क्रॉस करने वाला कोई नहीं, टच करके जाएगा लेकिन क्रॉस कोई नहीं करेगा, समझ में आ रहा क्रॉस का मतलब? वैसे इसका भी जितने ही फील्ड लाइन्स है, कोई भी इस सरफेस को, शेडेड पार्शन को क्रॉस नहीं करने वाला, वैसे इसका भी कोई नहीं क्रॉस करने वाला, इसका भी कोई क्रॉस नहीं करने वाला, ठीक है। तो ऊपर वाला चार चार्जेस को तो आप भूल जाओ, उनको आप हटा भी दोगे तो क्वेश्चन में चेंज नहीं आने वाला, ठीक है, जो क्वेश्चन में पूछा गया है उसके आंसर में कोई चेंज नहीं आने वाला, ठीक है। ठीक है, अब नीचे वाले चार चार्जेस जो है, ये चार बचे हुए, इनका इफेक्ट को देखना है, ठीक है। तो आपको याद होगा आपने ऐसा टाइप का क्वेश्चन किया है पहले, या नहीं किया तो मैं अभी कर देता हूँ। तो एक क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, आप लोग नहीं किया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जितने तो कर लिए वो वाला पार्ट को स्किप कर देना। जैसे आपके कोई पॉइंट चार्ज दिया गया, ठीक है, और वो एक क्यूब के अंदर, क्यूब के सेंटर में है, तो एक क्यूब पहले बना लेता हूं मैं, तो मुझे पता नहीं इसमें कितना अच्छा ड्राइंग बना पाऊंगा, मैं पहली बार क्यूब इसमें बनाने जा रहा हूं मैं, ब्लैक बोर्ड में तो बन जाता है आराम से, ये डिजिटल पैड में पहली बार बना रहा हूँ, ठीक है, हाँ बन ही गया ऑलमोस्ट। हाँ, तो एक क्यूब का सेंटर, यहाँ पे कोई चार्ज रखो आप, ठीक है, क्यूब के सेंटर में, क्यूब के सेंटर में है ना, और एक क्यूब का साइड लेंथ मान लो 2a, ठीक है। तो अब आप सोचो, ये जो सेंटर वाला चार्ज है, ये तो सिमेट्रिकली लोकेटेड है विद रिस्पेक्ट टू एवरी फेस, समझ में आ रही बात? सपोज आप कोई भी फेस से जाके क्यूब को देखोगे, है ना, तो आपको चार्ज मतलब सॉरी किसी भी फेस पे जाके आप बैठ के चार्जेस को देखने, इस चार्ज को देखने चाहते हो, तो आपको चार्ज हमेशा सेम दिखने वाला है, हमेशा सेम मतलब क्या, सेम जगह पे दिखने वाला है, जगह समझ में आ रही मैं क्या बोल रहा हूँ? आप जितने इतने दूर पे चार्ज है ये वाला, उतनी दूर पे दिखने वाला है हमेशा, ठीक है। अब इसका मतलब एक काउंटर, मतलब कोई अपोजिट केस देता हूँ मैं, जहाँ पे सेम नहीं दिखेगा, वो ये है, जैसे आपके पास क्यूब है लेकिन चार्ज जो सेंटर पे नहीं है, किसी फेस के पास है, यहाँ पे तो चार्ज जो सेंटर में, सब फेस से इक्वी डिस्टेंस दूर है, ठीक है ना, तो यहाँ पे अगर चार्ज सपोज सेंटर के थोड़ा इस फेस के पास होता, इस फेस से दूर होता, ठीक है, तो फील्ड लाइन्स आप अगर चार्ज से निकलते हुए देखोगे, तो ज्यादा नंबर ऑफ फील्ड लाइन्स इससे पास होंगे और कम नंबर ऑफ फील्ड लाइन्स इससे पास होंगे, ठीक है, क्योंकि उसके ज्यादा पास है तो ज्यादा डेंसिटी है, ज्यादा फील्ड लाइन्स क्रॉस होंगे, समझ में आ रही बात? लेकिन यहाँ पे सेंटर पे, तो इससे जितने भी लाइन्स निकल रहे हैं, आप बोल सकते हो इक्वल नंबर ऑफ लाइन्स हर फेस से पास हो रहा है, टोटल कितने 6 फेस होते हैं ना क्यूब के, तो हर फेस से 6 सॉरी हर फेसेस से 6 नंबर ऑफ मतलब सॉरी हर फेस से इक्वल अमाउंट ऑफ फ्लक्स पास हो रहा है, ये समझो इस चीज को, ठीक है। तो अगर ऊपर वाले फेस से फ्लक्स का वैल्यू 5 1 है या 5 1 है सॉरी, तो नीचे वाले इसके थ्रू भी 5 1 होगा, इसके थ्रू भी 5 1 होगा, हर एक के थ्रू कितना होगा, 5 1 होगा, 6 फेसेस है सबके थ्रू 5 1 होगा, ठीक है। तो टोटल फ्लक्स हो जाएगा थ्रू दिस क्लोज क्यूब, ऑफ कोर्स क्यूब क्लोज ही रहेगा, लेकिन तभी मैं बोल रहा हूँ क्लोज क्यूब बोल रहा था कि गॉस लॉ लगा सको आप, ठीक है। और टोटल फ्लक्स अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ क्या होता है, चार्ज इनक्लोज, अभी जो सेंटर पे चार्ज है मान लो क्यू है, चार्ज इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट, समझ में आई बात? तो यहां से आप देख सकते हो कि फ्लक्स थ्रू वन ऑफ द फेसेस, कोई भी एक फेस के सबके थ्रू तो सेम ही फ्लक्स है, वो कितना हो गया, क्यू बाय 6 एप्सिलॉन नॉट, इस चीज पे ध्यान देना, ठीक है। तो आपने बिना इंटीग्रेशन, खाली सिमेट्री को एक्सप्लॉइट करके, सिमेट्रिक आर्गुमेंट्स यूज करके आपने बता दिया कि फ्लक्स थ्रू एनी वन ऑफ द फेसेस ऑफ दिस क्यूब इज क्यू बाय 6 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। हाँ, अब ये चीज, ये एक जनरल क्वेश्चन है ना, आप मान लो एक नया क्वेश्चन हम लोग कर लिए, ठीक है, अब ये चीज इसमें कैसे, जो क्वेश्चन हम लोग को मिला है उसमें कैसे अप्लाई करेंगे, ठीक है। फिर से टाइम जा रहा है क्वेश्चन में, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप अगर सीख रहे हो कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, स्पीड अपने आप बाद में आ जाएगी अगर हर चीज सीख लोगे तो। आप तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करना है, अब इस क्वेश्चन में देखो कैसे अप्लाई करेंगे। सपोज आप इस चार्ज के बारे में सोच रहे हो, सबको भूल जाओ, सिर्फ इस चार्ज को देखो, ठीक है, तो मान लो ये आपका सेंटर ऑफ
क्यूब है, ऑफ कोर्स यहाँ पे जो क्यूब ड्रॉन है क्वेश्चन में उसका तो सेंटर ये नहीं है ना, तो आप सोचो आप आपको एक क्यूब बनाना है जिसका सेंटर ये है, तो वो क्यूब कैसा बनेगा? मैं यहाँ पे बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसको थोड़ा बढ़ा दो उधर, समझ में बात? जैसा क्यूब यहाँ पे है ना एग्जैक्टली वैसा क्यूब यहाँ पे रख दो, और एक क्यूब सामने में रख दो और एक क्यूब वहां पे रख दो, समझ में आ रही बात? तो यहाँ पे ऊपर में जैसे ये चार्ज अगर सेंटर पे रहना है तो ये ए है तो यहाँ भी ये तो ए आएगा, और समझ में आ रही बात? वैसे यहाँ ए है तो यहाँ भी और ए आने वाला है, ठीक है? तो आपके पास टोटल यहाँ पे देख लो ऊपर वाले फेस में चार क्यूब आ गए, ऐसा टाइप का जैसे क्वेश्चन में दिया होता वैसा टाइप का आपके पास। अब मेरा ड्राइंग थोड़ा यहाँ पे बन नहीं पा रहा है लेकिन आपको समझ में आ गया, ठीक है? समझ में आई बात? वैसे ही फिर नीचे चार बनाओ, ठीक है? आप अगर चार चार स्मॉल क्यूब लोगे या एक बड़ा क्यूब को मैं तोड़ के दिखाता हूँ कैसे ये हो रहा है, तो आपके पास एक बड़ा क्यूब है जिसका साइड लेंथ कितना है, 2 है, ठीक है? बड़ा क्यूब है जिसका साइड लेंथ है 2a, उसको 8 इक्वल पार्ट्स में आपको तोड़ दो, 8 इक्वल पार्ट्स और सबके सब क्यूब होने चाहिए मान लो, ये सब कंडीशन मैंने बोल दिया, ठीक है? तो अब क्या करोगे आप, ऐसा करोगे यहाँ तो इसको हर एक सेगमेंट को आप बाइसेक करोगे, है ना, हर एक एज के थ्रू परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे, ठीक है? ये इमेजिन जितना जल्दी कर सको उतना अच्छा है, ठीक है? वैसे नीचे में करोगे तो ये आपका एक क्यूब हुआ, ये छोटा क्यूब एक, वैसे अगर कितने क्यूब हो जाएंगे आपके पास, 8 हो जाएंगे, ठीक है? एक यहाँ, 2 यहाँ, 3 यहाँ, 4 यहाँ दिख नहीं रहा आपको, 5, 6, 7 और 4 के नीचे वाला 8, ठीक है? हाँ, अब इसके सेंटर पे मैं चार्ज का बात कर रहा हूँ, समझ में आई बात? तो यहाँ पे जो क्वेश्चन आपको दिया गया है, इस क्वेश्चन में आप वही जो अभी थोड़े पहले हम लोग कॉन्सेप्ट सीखे थे, अगर आप इस चार्ज को सेंटर ऑफ द क्यूब मानना चाहते हो, ठीक है, तो आपको ऐसा करके जो क्यूब यहाँ पे दिया गया वैसे 8 क्यूब्स और रखने होंगे, 7 क्यूब्स और रखने होंगे, ठीक है? इसके बगल में 3 और इसके नीचे में 4, सच दैट ये सेंटर में, वैसा कर ही सकते हैं हम लोग, ठीक है? अब यही क्वेश्चन को वापस फिर से रिविजिट करते हैं जो पहले कर चुके हैं, सेंटर पे चार्ज है आपका क्यूब, है ना? अब इस क्यूब के कारण एक फेस के थ्रू कितना फ्लक्स होगा, एक क्यूब के थ्रू, वो निकाल सकते हैं हम लोग। अब याद रखना फिर से ये 8ों क्यूब्स जो है, 8ों क्यूब्स इस चार्ज के रिस्पेक्ट में सिमेट्रिकली लोकेटेड है, समझ में आ रही बात? क्योंकि देखना ये 8ों क्यूब्स का एक कॉर्नर इस चार्ज पे एंड हो रहा है, क्योंकि 8ों क्यूब्स का एक कॉर्नर जो है सेंटर ऑफ द क्यूब में तो है, समझ में आ रही बात? जैसे हर एक क्यूब का आप एक कॉर्नर देखोगे तो एक कॉर्नर कहाँ पे है, इस सेंटर पे ही तो है ना, ठीक है? तो आप ये बोल सकते हो कि हर एक क्यूब जो है यहाँ पे 8ों के 8ों क्यूब के लिए ये चार्ज सेम लोकेशन पे एक सेंस में, ठीक है? तो फिर से इस चार्ज के थ्रू जितने भी फील्ड लाइंस निकल रहे होंगे आप ये नहीं बोल सकते कि हाँ इस क्यूब से ज्यादा होगा इस क्यूब से कम होगा, सबके थ्रू इक्वल नंबर ऑफ फील्ड लाइंस ही निकलेंगे। तो जैसे यहाँ पे 8 क्यूब्स है, ठीक है, समझ में आ रही बात? टोटल यहाँ पे कितने क्यूब्स है, 8 क्यूब्स है ना, तो 8 क्यूब्स के थ्रू टोटल फ्लक्स है क्यूब है एप्सिलॉन नॉट, तो 8 क्यूब के थ्रू फ्लक्स कितना हो जाएगा, एक क्यूब के थ्रू फ्लक्स कितना हो जाएगा, क्यूब है 8 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि 8 इक्वल पार्ट्स में बांटना है, ठीक है? तो एक क्यूब के थ्रू फ्लक्स हो जाएगा क्यूब है 8 एप्सिलॉन नॉट, समझ में आ रही बात है ना? हाँ, अब उसके बाद भी क्वेश्चन बना नहीं है अभी तक, अब देखते अब क्या बचा हुआ है, ठीक है? तो आप क्या करो, अब फिर से एक क्यूब लो, वो जो 8 क्यूब था उसमें सिर्फ एक क्यूब को ड्रॉ करो, छोटा वाला क्यूब, ठीक है? 8 जो क्यूब थे यहाँ पे उसमें से एक ड्रॉ करो और चार्ज याद रखना यहाँ पे, है ना? अब ये चार से जो फील्ड लाइंस निकल रहे हैं उसके लिए ये तीन प्लेन्स, इन तीन प्लेन्स को मैं, जिन तीन प्लेन्स का बात कर रहा हूँ उनको मैं शेड कर दे रहा हूँ, इनके थ्रू फ्लक्स क्या होगा, जीरो होगा, क्यों? क्योंकि ये इनके प्लेन में ही लाई कर रहा है ये चार्ज। अभी मैंने बोला था ना किसी प्लेन पे कोई चार्ज लाई करता है, किसी प्लेन पे ही कोई चार्ज लाई करता है तो उसका फ्लक्स थ्रू दैट प्लेन क्या हो जाएगा, जीरो। तो ये चार्ज इस प्लेन पे भी लाई कर रहा है, जिस जिस फेसेस पे चार्ज लाया कर रहा है, तीन फेसेस पे लाया करेगा, है ना? तो उन तीनों के थ्रू फ्लक्स जीरो है, ठीक है? तो इस पूरे क्यूब के थ्रू फ्लक्स कितना था, क्यूब है 8 एप्सिलॉन नॉट, याद रखना बड़े क्यूब के थ्रू क्यूब एप्सिलॉन नॉट था और 8 इक्वल क्यूब्स में बटा है तो क्यूब है 8 एप्सिलॉन नॉट। उसके भी जो टोटल 6 फेसेस है
एक दो तीन चार पाँच छः, छः में से तीन के थ्रू फ्लक्स तो जीरो है, ठीक है, जो शेडेड पार्ट्स में तीन जो बनाया हूँ उनके थ्रू जीरो, ये तीन बचे, ठीक है। अब यहाँ पे जो जो शेड नहीं किया हूँ, ये वाला देख लो एक बार फिर से, ये वाला और एक टॉप वाला, ये तीनों फिर से इस चार्ज के रिस्पेक्ट में सिमेट्रिकली लोकेटेड है, मतलब ऐसा नहीं कि कोई पास में कोई दूर में, समझ में बात, इस चार्ज से जितना दूर दूर इसके पॉइंट्स है, इस फेस के पॉइंट्स, उतने दूर दूर आपको इस फेस के पॉइंट्स मिलेंगे, उतने दूर दूर आपको इस फेस के पॉइंट्स मिलेंगे, ठीक है। तो यानी एक फेस के थ्रू अगर फ्लक्स निकालते, एक फेस सपोज ये टॉप मोस्ट फेस, इसके थ्रू अगर फ्लक्स निकालते तो ये आना चाहिए था, ये तो टोटल क्यूब के थ्रू है और टोटल क्यूब में पहला तीन फेस जो मैं दिखाया उसके थ्रू तो जीरो है, बाकी तीन के थ्रू इक्वल होगा। सपोज को मैं फाइव डैश और फाइव डैश बोल रहा हूँ, ठीक है, तो थ्री फाइव डैश इज इक्वल टू क्यू बाई एट, यानी फाइव डैश इज इक्वल टू क्यू बाई 24। बस हो गया, क्वेश्चन हो गया है ना। अब देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, अल्टीमेटली अगर इन सबको बताऊं तो अल्टीमेटली मैंने ये किया कि आपका क्यूब के वर्टेक्स पे अगर चार्ज क्यू है, एक क्यूब के वर्टेक्स पे चार्ज क्यू है, ठीक है, किसी वर्टेक्स पे रख देने, आज मत सोचना कि इसी वर्टेक्स पे रखना है, कहीं भी रख दो सेम रिजल्ट आने वाला। तब हम लोग इस फेस के थ्रू या कोई फेस, बाकी तीन फेस के थ्रू जीरो है, बाकी तीन के थ्रू इक्वल रहेगा, इस फेस के थ्रू फ्लक्स कितना आया, क्यू बाय 24 एप्सिलॉन, ठीक है। अब ये जो फेस यहाँ पे आप क्वेश्चन में दिया गया, क्वेश्चन पे वापस आते हैं, क्वेश्चन में देखो फेस ये वाला दिया गया है, तो ये चारों का तो कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, ठीक है, और इन चारों को देखे अगर, तो ये चारों वर्टिसेस पे लाए कर रहे हैं दूसरे वाले, है ना, तो यहाँ पे जैसे चार्ज रखे थे तो इसके कारण इतना आया, अगर चार्ज को यहाँ भी रखते तब भी तो इतना ही आता, यहाँ रखते तब भी इतना आता, यहाँ रखते तब भी इतना आता, तो अगर चार चार्ज रखेंगे तो इसका चार गुना आ जाएगा, ठीक है। तो अल्टीमेटली कितना आंसर आने वाला है, क्यू बाय 6 एप्सिलॉन नॉट, है ना, तो ऑप्शन में एप्सिलॉन प्रिंट होना छूट गया है, तो ये क्यू बाय 6 एप्सिलॉन, समझ में आई बात। हाँ क्वेश्चन लंबा था लेकिन आपने कितना चीज सीखा वो देखो, ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 109। मूविंग ऑन।